उत्तर कश्मीर के गुलमर्ग में न्यूनतम तापमान 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया है। वहीं दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग के पहलगाम में न्यूनतम तापमान 0 से 5.8 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया है, जो सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस कम है। श्रीनगर की बात करें तो रविवार को रात में न्यूनतम तापमान 0.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं पहाड़ों में बर्फबारी से मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल चुका है। कश्मीर ताजा बर्फबारी हो रही है, जिससे ऊंचाई वाले इलाके बर्फ की सफेद चादर से ढक चुके हैं। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से मैदानी इलाकों का पारा और गिर गया है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, यूपी, राजस्थान, बिहार, झारखंड समेत कई उत्तर भारत के राज्यों में ठंड और कोहरे से बुरा हाल है। आम जनजीवन ठंड के कारण पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। दक्षिण तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले के कलाईपट्टनम में सोमवार 8:30 बजे पूरी तरह से 24 घंटे की अवधि के दौरान 95 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। भारत मौसम विज्ञान विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि थूथुकुडी जिले के मंदिर शहर तुरुचेंद्रू में भी 62 सेंटीमीटर से 69 सेंटीमीटर के बीच मूसलाधार बारिश हुई है। IMD के एक बुलेटिन के मुताबिक राज्य के तिरुवेनेली जिले में मंजोलाई में 55 सेंटीमीटर और तेनकाशी जिले के गुडुर बांध में 51 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। वहीं पहाड़ी राज्यों हिमाचल और उत्तराखंड में बर्फबारी देखने को मिल रही है। इस वजह से दिल्ली NCR समेत समूचे उत्तर पश्चिम राज्यों में ठिठुरन बढ़ चुकी है। मौसम विभाग की माने तो अगले 3 दिनों के बाद सर्दी का दौर और बढ़ेगा। पारा और लुढ़कने की संभावना मौसम विभाग ने व्यक्त की है। झारखंड में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम होने के कारण लोगों को जबरदस्त ठंड का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तरी पश्चिम हवा के कारण तापमान में यह गिरावट देखने को मिल रही है। अगले 3 दिन तक इस तापमान में किसी भी बड़े बदलाव का अनुमान नहीं है। इसमें 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की और गिरावट आ सकती है, जिससे अगले सप्ताह शीतलहर जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।